राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद किरोरीलाल मीणा पहुंचे सीएमआर। किरोरीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री के सचिव आरती डोगरा से की मुलाकात। सांसद मीणा ने कहा, गहलोत सरकार ने किसानों की भूमि नीलामी पर रोक लगाई है। नीलामी पर रोक लगाने से काम नहीं होगा, नीलामी को निरस्त करना होगा। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, सांसद किरोरीलाल मीणा किसानों को लेकर सीएमआर पहुंच गए हैं। किसानों की कर्ज माफी का पूरा मामला है, जिसको लेकर किरोरीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री के सचिव आरती डोगरा से मुलाकात की है। तो वहीं माकपा विधायक बलवान पूनिया ने भी कहा, किसी भी सूरत में किसानों की भूमि नीलामी नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, जहां किरोरीलाल मीणा किसानों की कर्ज माफी जमीन नीलामी के मुद्दे को लेकर किसानों को लेकर सीएमआर पहुंचे हैं। सचिव आरती डोगरा से मुलाकात भी हुई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नीलामी पर रोक नहीं, निरस्त की मांग इस वक्त सांसद किरोरीलाल मीणा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से। मुख्यमंत्री जी के सेक्रेटरी साहब से बात हो गई है, उनका कहना यह है कि हमने अभी स्थगित कर दिया है। हमने कहा स्थगित करने से काम नहीं चलेगा, निरस्त करो, जिन जिन पे जितना बताया है वो तो सारा ऋण माफ़ किया जाए। और ये लाली है, इसको उन्होंने कलेक्टर से बात की है, आर्थिक पैकेज इनको देंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा दिया है। अधिकारियों की मांग रही है कि जिन अधिकारियों ने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनका कहना है कि हमने सभी जिला कलेक्टर को अभी मैसेज कर दिया है कि इसको सख्ती से रोका जाए, किसी प्रकार की नीलामी किसानों की जमीन की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा 6 महीने रुक जाएगा, साल भर रुक जाएगा, आप ये सारा निरस्त करो और जितना भी लोन किसानों को पड़ता है वो मांगो। ये हो सकता है मुख्यमंत्री जी ये बात को बताएंगे, आगे सरकार विचार करेगी। इनका कहना ये भी है कि जो फिर पास विधानसभा से हुआ था वो तो गवर्नर का अटका हुआ है, तो जिम्मेदारी सरकार की थी कि गवर्नर से निकालने। बोला था किसानों का 10-20 लगा।